नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या लियोना नाम की इस लड़की को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बता दें, ओवैसी की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। दरअसल सांसद ओवैसी की अगुवाई में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गुरुवार को एक रैली की गई थी। रैली के दौरान अमूल्या ने मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इसके बाद ही रैली में हंगामा मच गया। ओवैसी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने जैसे ही सुना मैं दौड़ कर आया, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। मैंने जैसे ही ये वाहियात नारे सुने तो मैंने सामने तेज चलकर आकर उसे रोकने की कोशिश की। ओवैसी ने आगे कहा, उसे वहां से हटा दिया गया। इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं इस तरह की बात की निंदा करता हूं। इस तरह की हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदा है और जिंदा रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर चर्चा खूब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा की जा रही है तो वो ये है कि उनके स्वागत में आखिर कितने लोग खड़े रहेंगे। आपको बता दें, पहले ये आंकड़ा 70 लाख बताया जा रहा था। ट्रंप ने खुद मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की, लेकिन ट्रंप के बयान के एक दिन बाद ही अहमदाबाद प्रशासन का भी बयान आया। प्रशासन के मुताबिक 70 लाख नहीं, महज 1 लाख लोग ट्रंप के स्वागत में खड़े रहेंगे। लेकिन आज फिर ट्रंप ने अमेरिका में एक रैली की। रैली के दौरान इस आंकड़े को ही बदल दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए की गई रैली के दौरान ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते मैं भारत जा रहा हूं। PM मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे ट्रेड डील की बात भी करूंगा। मोटेरा स्टेडियम में जाते वक्त 10 मिलियन लोग हमारा स्वागत करेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों के बाहर खड़े हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर देश भर के मंदिरों में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। महाशिवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। ओम नमः शिवाय। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महिला T20 विश्व कप का आज आगाज होने जा रहा है। पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप की शुरुआत आज होने जा रही है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का सामना भारतीय महिला टीम से होगा। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीमों के बीच यह मैच सिडनी के शोग्राउंड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। आपको बता दें, अब तक 6 बार T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। भारत एक भी बार फाइनल में नहीं पहुँच पाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा 4 बार खिताब जीत चुका है।